हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। आज का क्वेश्चन ज़्यादातर बुद्धि से रिलेटेड है एंड दोस्तों आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये सेट सी का अभ्यास 5 है। इस तरह के आपके 16 से 17 सेट है, सभी में 10 से 12 अभ्यास हैं। 7,500 क्वेश्चन है। डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, चाहे MPTET हो, चाहे अदर स्टेट के TGT PGT हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, MCQs, चैप्टर वाइज MCQs एंड वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली बेसिस प्रैक्टिस, सभी चीज़ें उपलब्ध है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, एथेंस में 2004 के खेल किस ओलंपियाड के खेल हैं? तो दोस्तों, जो एथेंस में 2004 का ओलंपिक खेल था वो 28वां ओलंपिक खेल था। उसके बाद जो आपका 2008 बीजिंग चीन में था वह 29वां था। फिर 2012 लंदन ओलंपिक में 30वां था। 2016 रियो ओलंपिक ब्राजील का जो है वह 31वां था। और 2020 टोक्यो ओलंपिक 32वां और 33वां ओलंपिक आपका 2026 में होगा, 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में, 28 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में और 32 में होगा आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो दोस्तों, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स नामक स्थान पर खेले गए। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण जो है वह जाना जाता है पास एलांग परीक्षण। ठीक है, पास एलांग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए मैन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? ड्रा ए मैन टेस्ट किसके द्वारा निर्मित है? तो यह है गुड एनफ के द्वारा। नेक्स्ट है, ऐसे बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है जिसमें लकड़ी के इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है? तो उसको हम जानते हैं निष्पादन परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? तो दोस्तों, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विकास हुआ। इसका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका विकास हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो सबसे पहले यह टेस्ट 1917 में अमेरिकन एसोसिएशन टेस्ट के नाम से बनाया गया था और सैनिकों की मानसिक योग्यता को मापने के लिए। इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा टेस्ट जो ऑफिसर्स के लिए, आर्मी बीटा टेस्ट जो सैनिकों के लिए बनाया गया था। वही भी आपको पूछेगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो उसको अल्बर्ट बीने ने 1905 में बनाया था। और मनोविज्ञान में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय दिया जाता है अल्बर्ट बीनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम जानते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट है, बीनी साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? तो दोस्तों, बीनी साइमन जो बुद्धि परीक्षण है वह व्यक्तिक बुद्धि प्रकार का है। ठीक है, तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को किसने दिया था? तो बीने ने दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो अल्बर्ट बीने ने ही किया था। नेक्स्ट, 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका टर्मन मोरिल परीक्षण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित था? तो यह निर्मित था टर्मन के द्वारा।
दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब पूछेगा कि मनोविज्ञान में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो अल्बर्ट बिनेट ने किया 1905 में। जब ये पूछेगा कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इंटेलिजेंस क्वेटेंट के जनक कौन है, तो स्टर्न है, जिन्होंने सूत्र दिया MA/CA यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज। और जब पूछेगा कि बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है, तो टर्मेन है, टर्मेन ने IQ का मापन किया और उन्होंने सूत्र दिया MA/CA/100 यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि मानसिक आयु अपान वास्तविक एज गुणे 100। इस सूत्र को दिया है टर्मन ने। नेक्स्ट है 1908 के बीने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किस वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई, तो इन्होंने 3 से 13 वर्ष के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु यानी मेंटल एज का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कब किया गया दोस्तों, तो यह सबसे पहले किया गया 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ 1905 में और मानसिक बुद्धि का शब्द का प्रयोग हुआ 1908 में। और 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया दोस्तों, तो अल्बर्ट बिने ने किया। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक बिने किस देश के थे, तो ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, तो किसने किया, अल्बर्ट बिने ने किया। ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया या वैज्ञानिक मापन सबसे पहले कौन किया, तो अल्बर्ट बिने ने किया 1905 में। नेक्स्ट दोस्तों, धीमी मरोड़ यानी स्लो ट्विस्ट पाया जाने वाली पेशियों की तुलना में तेज मरोड़ यानी फास्ट ट्विस्ट फाइबर पेशियों में क्या नहीं होता है। जैसा कि हमारे कंकाल पेशियों में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, पेशी फाइबर पाई जाती है, स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर, स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर, और फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि व्हाइट मटर फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर जो होती हैं वह धीरे धीरे संकुचित होती है, स्लो ट्विस्ट फाइबर होती हैं, और जो सफेद मसल फाइबर यानी व्हाइट मसल फाइबर होती हैं वह फास्ट ट्विस्ट होती है यानी कि बहुत फास्ट तेजी तेजी से उसमें कंट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि स्लो ट्विस्ट फाइबर की तुलना में जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर है उसमें क्या नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों को थकान की कम प्रतिरोधक क्षमता। तो फास्ट ट्विस्ट फाइबर में बात सही है कि थकान की कम प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए जल्दी थक जाता है इंसान। उच्च ATP क्रियाशीलता होती है, जितना भी हमारे अंदर ऊर्जा होती है ATP होती है बना हुआ ऊर्जा, उसको जल्दी से खत्म कर देता है, तो ये भी आपका राइट है। एंड तीव्र संकुचन की क्षमता वेग यानी कि फास्ट कंट्रक्शन होता है फास्ट ट्विस्ट फाइबर में यानी व्हाइट मसल फाइबर में, ये तीनों चीजें आपके फास्ट ट्विस्ट में होती हैं, बट क्या नहीं है इसको इसमें पूछा है। तो यहाँ पे कमतर मायोसिन क्रॉस भी जे नहीं होती हैं, ये होता है आपका रेड मसल फाइबर यानी स्लो ट्विस्ट फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट वर्ग के पुरुष और महिला दूरी दौड़ में निम्न में लिखित में किससे युक्त होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए यानी क, अधिक संख्या में धीमी मरोड़ स्लो ट्विस्ट के तंतु। तो यहाँ पे अधिक संख्या में स्लो ट्विस्ट फाइबर होंगे, तंतु होंगे, महिला पुरुष दूरी दौड़, दूरी शब्द लगा दिया है, मतलब ज्यादा समय की क्रिया एंड्योरेंस वाला जो भी गेम रहेगा उसमें रेड मसल फाइबर यूज होता है, जो भी आपका स्प्रिंट दौड़े होती है एरोबिक क्रियाएं होती है उसमें फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया है, तो इन्होंने द्वैतत्व का सिद्धांत दिया था, इन्होंने अपने बुद्धि में कारकों में सामान्य और विशिष्ट
दो कारकों का युद्ध को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों गिलफोर्ड ने त्रिआयाम सिद्धांत दिया था। बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रतिदर्शन सिद्धांत सैंपलिंग थ्योरी किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो यह थॉमसन के द्वारा निर्मित किया गया बुद्धि का प्रतिदर्शन सिद्धांत। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? दोस्तों थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था, यानी बुद्धि का बहु तत्व सिद्धांत यानी बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। एक कारक सिद्धांत दिया था बिने ने, द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, एंड बहुबुद्धि का सिद्धांत विधिगत हावर्ड गार्डनर हो जाएगा। नेक्स्ट समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित द्वारा प्रतिपादित है? तो दोस्तों समूह कारक जो सिद्धांत है वह थ्रस्टन के द्वारा प्रतिपादित है। नेक्स्ट है बर्ट एवं बर्नन बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को दिया लुइस गुटमैन ने। नेक्स्ट बुद्धि का मानसिक बुद्धि मेंटल ग्रोथ सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों तो मानसिक बुद्धि, जैसा कि हम लोग जानते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, आपके मानसिक बुद्धि पर रिलेटेड है, बुद्धि के संज्ञान तत्व पर निर्मित है, तो यह आपको दिए हैं पियाजे ने, जिम पियाजे ने। जैसा कि दोस्तों ये सभी बुद्धि पर रिलेटेड है जो आपके एमपी टेट में पूछा जाएगा, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, उसमें बुद्धि दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस उसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्पीयरमैन का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वह द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अभी मैं जस्ट बताई हूं तो अल्फ्रेड विने ने दिया है एक तत्व सिद्धांत। इन्होंने कहा था बुद्धि एक होती है, सभी प्राणियों में एक बुद्धि पाई जाती है, लेकिन इसके बाद आया कि नहीं नहीं बुद्धि एक नहीं है, बहुत बुद्धि सब में अलग अलग होती है, इसको बताया थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट टर्मन ने बुद्धि को कौन सी योग्यता माना है? तो दोस्तों टर्मन ने बुद्धि को अवर्त योग्यता माना है, क्योंकि बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं, उसको बस महसूस कर सकते हैं। जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं वो मूर्त नहीं हो सकता, अमूर्त ही है। तो बुद्धि अगर पूछ दे कि बुद्धि मूर्त है कि अमूर्त है, तो वहां पे आपका आंसर होगा अमूर्त है। नेक्स्ट है बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है, यह कथन किसका है? यह कथन है वेस्लर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, एकदम राइट है दोस्तों। कोई भी बुद्धि जब नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन कर लेंगे तो माना जाएगा कि आपकी बुद्धि सही है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, जितना अच्छा आपके अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, बुद्धि होगा, उतना जल्दी आप किसी चीज को सीख लेंगे। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, हाँ दोस्तों, क्योंकि हम बुद्धि को देख नहीं सकते हैं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका की बुद्धि परीक्षण मापते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट फ्रीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने द्वितीय समूहों को घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के देने वाला कहा है?
तो इस बात को कहे हैं आगबर्न एवं नीम कॉफ ने द्वितीयक समूहों को घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को देने वाले कहा है। जैसे कि परिवार हमारा प्राथमिक समूह होता है, उसके बाद जो नगर हो गया, स्कूल कॉलेज, द्वितीयक समूह आ जाते हैं। और इसको आगबर्न और नीम कॉफ ने घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभव कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधि कहा है? तो शीत जगत का द्वितीयक समूह को कहा है पॉल लैंडिस ने। नेक्स्ट है, गांव को छोड़कर नगरों में आने वाले व्यक्तियों को निम्न में से किस प्रकार के समूह मिलते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि गांव आपका प्राथमिक समूह आ गया, तो नगरों में आने वाले व्यक्तियों को हम किस समूह में रखेंगे? तो उसको हम रखेंगे द्वितीयक समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के समूह शीत जगत के प्रतिनिधि कहलाते हैं? तो दोस्तों, द्वितीयक समूह को शीत जगत के प्रतिनिधि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह अधिकतर निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे नगर, ग्राम, महानगर दिया है। सबसे अधिक यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, तो आपका प्राथमिक समूह में आ जाएगा। आपका महानगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह बहुधा निम्न में से किसमें अधिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों, प्राथमिक समूह गाँव में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति की दृष्टि से प्राथमिक समूह का महत्व निम्न में से क्या नहीं है? तो विकास, कार्य क्षमता में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, उपरोक्त सभी यहाँ पे नहीं है। क्योंकि दोस्तों, प्राथमिक समूह में विकास होता है, बट उतना ज्यादा नहीं होता है। द्वितीय समूह में आकर ही वो पुष्ट होता है। कार्य क्षमता में वृद्धि भी द्वितीय समूह में आकर होता है। मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी आपके द्वितीय समूह में आकर होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूहों में निम्न में से किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों, प्राथमिक समूह में आंतरिक और बाह्य दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। आंतरिक भी पाई जाती है और बाह्य भी पाई जाती है, दोनों। नेक्स्ट है कि शारीरिक समीपता, लघुता, स्थायित्व और संबंधों की निरंतरता निम्न में से किसमें होती है? तो ये ज्यादातर किसमें होती है? परिवार में। किसमें होती है? परिवार में। नेक्स्ट है, उद्देश्य की एकता, स्वाभाविकता, स्वयं साध्य, व्यक्तित्व निम्न में से किस समूह की पहचान है? तो यह भी आपका यह प्राथमिक समूह की पहचान है। नेक्स्ट है, पति पत्नी का संबंध निम्न में से किस समूह वर्ग की पहचान है? तो ये तो आप आंसर सही दे रहे होंगे, प्राथमिक समूह की पहचान है। नेक्स्ट है, छुओ और जाओ निम्न में से किस समूह की विशेषता है? तो छुओ और जाओ यह आपका द्वितीयक समूह की विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे आरंभी अल्फा टेस्ट प्रथम ही आपका सही हो जाएगा। यह आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, आरंभी अल्फा टेस्ट एंड आरंभी बीटा टेस्ट। तो यह आपका क्वेश्चन राइट होगा। एंड कौन व्यक्ति बुद्धि परीक्षा का उदाहरण है? तो आपका घन रचना परीक्षण, पास अलाग परीक्षण, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पे आपको दिया है कि सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया गया, ये बात राइट है। एंड आपका है, सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने विकसित किया। दोस्तों, अल्बर्ट बीने ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बनाया है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे ये तो नहीं है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण कम से कम समय में निष्पादित की जा सकती है। आरवी बीटा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण का है, सब राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो इसको किया है
J.C. रेवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने के अनुसार शोध समस्या के स्रोतों में से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कक्षा विद्यालय, समाज और पाठ्यक्रम, प्राविधिक परिवर्तन और सामाजिक विकास, ये कोई भी नहीं है, उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम नहीं है, बट यहाँ पे दिया है उपरोक्त सभी, इसका मतलब दो कंडीशन उपरोक्त सभी होगा, या तो तीनों चीजें आपकी सही होंगी तो उपरोक्त सही हो जाएगा, तीनों चीजें नहीं होंगी तो भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति के संबंध में लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हैं, यह प्रकल्पना क्या है? तो दोस्तों यह प्रकल्पना निर्देशित प्रकल्पना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली की मुख्य विशेषताओं में जो सही नहीं है वह क्या है? तो यहां पे आपको ढूंढना है, आसन है, प्रश्नावली द्वारा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। राइट है दोस्तों, प्रश्नावली के माध्यम से ही हम सोचते हैं कि बच्चा ने कितना सीखा, उसका कितना परिमाण आया, कितना नंबर आया, कहाँ तक वो पहुंचा है। एंड दूसरा ऑप्शन है, प्रश्नावली में समुचित निर्देश होते हैं, तो ये भी राइट है, किसी भी प्रश्नावली में समुचित निर्देश होते हैं। गह है, प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है और उनके उत्तर भी व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है वह आपका पूछा है। प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है और उसके उत्तर भी व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ऑप्शन घ है, प्रश्नावली का प्रशासन तथा निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जबकि वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें सभी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है और उनके उत्तर भी वस्तुनिष्ठ होते हैं, यही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति ये जरूरी नहीं है कि वस्तुनिष्ठ ही होती है, आपका निबंधात्मक प्रश्न होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, एंड वन लाइनर क्वेश्चन होता है, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आपका ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, साक्षात्कार जिसे इंग्लिश भाषा में इंटरव्यू कहते हैं, इसकी उत्पत्ति एंटर हाई शब्द से हुई है। एंटर हाई किस भाषा का शब्द है? तो यह है फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी कि इंग्लिश के जो इंटरव्यू शब्द है वह फ्रेंच भाषा के एंटर हाई शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेड विल्ट नामक अमेरिका के लंबी दूरी के धावक ने अधिकतम शक्ति की कौन सी तकनीक विकसित की थी? तो इन्होंने प्लायोमेट्रिक तकनीक की विकसित की है, जो विस्फोटक क्षमता के अंतर्गत, विस्फोटक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था आपके 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ यूनिक प्रकार के क्वेश्चन थे, जो आप जो भी एमपीटेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके ये तो आपकी फिजिकल एजुकेशन में एक दो क्वेश्चन पूछ ही सकता है, बट आपकी जो CDP है उसमें बुद्धि जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है CDP के अंतर्गत, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा मुझे इस कमेंट में जरूर बताइए, सभी डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।